नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं केवी टेक्निकल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डीसी लाइन का प्रोटेक्टर सर्किट बनाना सिखाएंगे। जो डीसी लाइन में कभी भी कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो वो स्विच की तरह काम करेगा और वो अपने आप कट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए मेरे को एक छोटा सा पीसीबी चाहिए और एक 12 वोल्ट का रिले चाहिए जो 5 एम्पियर का है, और दो एलईडी चाहिए अलग अलग कलर में। एक हमारे पास रेड है और एक हमारे पास येलो है, ठीक है। और एक छोटा सा हमने लिया है जम्पर वायर जो सर्किट में जम्पर का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये रिले को यहाँ पे इस तरह से फिट करना है। तो रिले के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते हैं, अगर आप नए हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो आप तीन पिन देख रहे हैं, ठीक है, ये तीन पिन में से जो लास्ट वाला पिन होता है, इधर से आप देख लें, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हमारा क्वाइल है, ठीक है। इसके अंदर में जो क्वाइल बना हुआ है वो क्वाइल का ये दोनों पिन है। अगर इस दोनों पिन में हम सप्लाई देते हैं 12 वोल्ट की डीसी, तो ये हमारा रिले ऑन हो जाता है और ये काम करना चालू कर देता है, ठीक है। और इस रिले का कॉमन पॉइंट ये है, और इसका जो आउटपुट है, ये दोनों में से एक आउटपुट है और एक एनसी है, यानी कि एक ब्लैंक है। जब रिले स्टैंड बाय में रहेगा तो हमारा ये जो कॉमन है इसके साथ कनेक्ट रहेगा, और जब रिले चालू होगा तो ये कॉमन हमारा जो है इस पिन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने जो पीसीबी लिया है, इस पे हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। आप चाहे तो कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लगा रहे हैं ताकि हम यहाँ पे रिले का एलईडी का जो पॉइंट है उसे भी हम यहाँ पे दिखा सके, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे फिट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया है, अब हम इसे सोल्डिंग कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें एलईडी को लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए हमने दो एलईडी लिया है, ठीक है। और इसका जो बड़ा पॉइंट आप देख रहे हैं, ये दोनों जो बड़ा पॉइंट देख रहे हैं, ये हमारा माइनस है, इसे हम कॉमन बना लेंगे और इसी में हम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसे पहले हम अपने पीसीबी पे लगा लेते हैं। तो देखिए, दो एलईडी हमने पीसीबी पे लगा दिया है, और यहाँ पे इसका जो दो कॉमन पॉइंट है, ये दोनों एलईडी का, ये दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे और इसे सोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा देखिए सोल्डिंग हो चुका है, ठीक है। अब इस दोनों एलईडी के कॉमन पॉइंट से हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जो हमारा 680 ओम का है। वो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो कॉइल के इस टर्मिनल पे जॉइंट होगा, जहाँ पे माइनस कनेक्शन हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे ले आएंगे। तो हम इसे यहाँ से भी ले जा सकते हैं, देखिए यहाँ से ले जाकर इस पॉइंट से मिलाते हुए ये इस तरह से, और इसके कॉमन पॉइंट पे यहाँ पे जॉइंट कर देंगे, ठीक। तो एलईडी का देखिए ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे जोड़ दिया है इस कॉइल के इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन में चला गया। अब हमें कॉइल के दूसरे तरफ इस ऑन वाले पोजीशन पे इस कॉइल को यहाँ पे कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जम्पर के थ्रू इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो एक वायर लेते हैं और इस वायर के थ्रू यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए, एक जम्पर हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों, इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं समझेंगे तो ये नहीं बनेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से देख लें, और अगर समझ में नहीं आता है तो इसका सर्किट डायग्राम मेरे वेबसाइट akbtechnical.com पे मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वहाँ पे जा सकते हैं और इसके सर्किट को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसका कनेक्शन कर लेते हैं और कनेक्शन करके चेक करते हैं किस तरह से काम करता है। तो इसे करने से पहले हम लोग को एक माइक्रो स्विच भी इसमें लगाना है, जो हमारा इसके कॉमन से लेकर इस कॉइल में कनेक्ट होगा। ये हमारा कॉमन पॉइंट है और यहाँ पे ये कॉइल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ लेते हैं और इसका स्विच देखिए, ये हमारा ये दोनों स्विच हमारा जो है पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है और स्विच काम करेगा किससे, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट से काम करेगा। तो इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से, ये हम लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखिए स्विच का कनेक्शन हमने कर लिया है। ठीक है, एक देखिए इस कॉइल से हो गया और एक कॉमन पॉइंट से हो गया। ठीक है, अब हम इसमें वायर लगाते हैं। वायर लगाकर आपको चेक करके बताते हैं किस तरह से शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस हमने जिसमें लगाया था, जिस पिन में, कॉइल के जिस पिन में, वहाँ पे हम माइनस पॉइंट देंगे, माइनस इन करवाएंगे। ठीक है, तो ब्लू वाला वायर जो हमारा है वो माइनस है, तो इसे हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। और जो रेड वाला है वायर, उसे हम कॉमन में इस तरह से स्विच के साथ लगाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने इसे लगा दिया। तो दोस्तों इसमें देखिए हम लोग आउटपुट हम लोग यहाँ से लेंगे, ये वाला जो पिन देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये हमारा रेड वाला वायर लगेगा, यानी कि ये हमारा प्लस है। तो यहाँ पे हम प्लस इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, और माइनस हम लोग यहाँ से ले लेंगे डायरेक्ट, तो माइनस हम यहाँ पे जोड़ देते हैं इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से देखिए ये हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको इसे चलाकर दिखाते हैं। तो पहले हम इसमें लाइन दे देते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी मैं इसमें एक मोटर लगाकर आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैंने कनेक्शन कर दिया है और यहाँ पे देखिए येलो वाला जो एलईडी है ग्लो कर रहा है, यानी कि रिले हमारा भी ऑफ है। और जैसे ही स्विच को दबाएंगे ये मोटर चलना चालू हो जाएगा। जैसे देखिए दबाता हूँ मैं, देखिए ये मोटर हमारा चलना चालू हो चुका है। ठीक है, और एलईडी यहाँ पे रेड वाला जल रहा है। ठीक है, और जैसे ही हम इसमें शॉर्ट सर्किट कुछ करेंगे, यानी कि वायर किसी तरह से शॉर्ट हो जाता है, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। ये देखिए, और येलो वाला एलईडी हमारा जल गया, यानी कि रिले ऑफ हो चुका है हमारा, और इसमें जो पावर निकल रहा था वो भी हमारा बंद हो चुका है। और फिर से अगर इसे ऑन करते हैं तो ये चलना चालू हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये आपका सिर्फ 12 वोल्ट पे ही काम करेगा। अगर आप 5 वोल्ट देकर अगर इसे शॉर्ट करते हैं तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि रिले ऑन नहीं होगा। अगर 5 वोल्ट के लिए आप बनाना चाहते हैं तो 5 वोल्ट का ही रिले आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और मेरे कमेंट बॉक्स में इसका सर्किट डायग्राम आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।